आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा। अष्टमी और नवमी पर बनने वाला सूजी का हलवा हम ज़्यादातर बचपन से ही खाते आ रहे हैं और हमारी मम्मी ऐसे बड़े चाव से बनाती हैं और परफेक्ट नाप के साथ अगर सूजी का हलवा बनाया जाए तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मैं हूँ सुनर, आपका स्वागत है मेरी किचन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक कटोरी बारीक वाली सूजी ली है जिसे मैंने पहले से छान लिया है। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो आप उसे ग्राइंड कर लीजिए। कुछ कलियाँ केसर की मैंने पानी में डाल दी हैं और मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच देसी घी लेंगे। आप यहाँ पर कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं जिसे आप खाते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और घी को मेल्ट होने देंगे। गैस की फ्लेम को आप लो ही रखें। घी को मेल्ट होने के बाद इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स डालने से हलवे का टेस्ट और दुगना बढ़ जाता है। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बिना ड्राई फ्रूट्स के भी हलवा बहुत टेस्टी बनता है। जब भी आप हलवे में ड्राई फ्रूट्स डालें तो उन्हें थोड़ा सा भून लें। भूनने के बाद अब इन्हें हम निकाल लेंगे और किशमिश पुरानी फॉर्म में ही आ जाएगी। अब हम इसी बचे हुए घी में सूजी को भून लेंगे। आपको यहाँ पर सूजी, चीनी और पानी और घी सभी का रेशियो परफेक्ट रखना है जिससे आपका हलवा बहुत ही टेस्टी बने। तो मैंने यहाँ पर बारीक सूजी इसलिए ली है क्योंकि बारीक सूजी का हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। आप भी बारीक वाली सूजी ही लें। तो अब हमने देसी घी में सूजी को डालकर धीमे धीमे आंच पर इसे भूनते रहेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। अच्छा, मैंने घी का इस्तेमाल एक साथ नहीं किया है, मैं धीरे धीरे इसमें घी डालूंगी क्योंकि हमें बिल्कुल भी हलवे पे तैरता हुआ घी नहीं चाहिए। हम घी की मात्रा सूजी के अकॉर्डिंग रखेंगे। अगर आपको घी अधिक चाहिए तो आप सूजी के अकॉर्डिंग उतना ही घी ले सकते हैं। सूजी थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें 3 कटोरी पानी डालेंगे। हमने 1 कटोरी सूजी लिया है तो उसी के अकॉर्डिंग हम 3 कटोरी पानी डालेंगे जिससे हमारी जो सूजी है वो पानी में अच्छे से मिल जाए। अगर आप परफेक्ट रेशियो के साथ सूजी का हलवा बनाएंगे तो आपका यकीन मानिए सूजी का हलवा बहुत ही अच्छा बनेगा। बिना किसी झंझट के आप घर में हलवाई जैसा हलवा बना सकते हैं। तो जब तक हमारी सूजी पानी में फूल रही है तब तक हमने इसमें केसर वाला पानी डाल देंगे। केसर का पानी डालने से इसमें कलर और स्वाद दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत ही अच्छा टेक्सचर निकल के आता है। तो देखिए, पानी सूजी ने एब्जॉर्ब कर लिया है और साथ ही हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स थे उनको थोड़ा सा छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अभी हमने इसमें चीनी नहीं डाली क्योंकि हमें चीनी की कोई चाशनी नहीं बनानी है, इसलिए हम चीनी का इस्तेमाल सबसे एंड में करेंगे और लगातार इसे आप इसी तरह से मिलाते रहिए। पानी डालने के बाद मैंने गैस की फ्लेम को हाई फ्लेम कर लिया है क्योंकि पानी सूजी में अच्छे से मिल जाए, और इसे लगातार चलाते रहेंगे जिससे हमारा जो हलवा है वो कढ़ाई में की तली में ना लगे। तो देखिए, जब हमारा पानी अच्छे से सूजी में मिल गया तो उसके बाद हमने उसी कटोरी के नाप से 1 कटोरी चीनी डाली है। आप चीनी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब देखिए, हमारा हलवा बहुत ही अच्छा दिख रहा है और साथ ही आप इसे लगातार चलाते रहिए। अगर आपको इसको कवर करना है तो आप इसे 5 मिनट के लिए कवर करके भी पका सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी कवर नहीं किया है और साथ ही साथ लगातार चलाते रही हूँ। अगर आप हलवे को पेशेंस के साथ बनाएंगे तो हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो देखिए, मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। हलवे को 10 मिनट रेस्ट पर रखेंगे, उसके बाद हम सर्विंग प्लेट में इसे सर्व करेंगे। इसे हम पिस्ता, बादाम और काजू से गार्निश कर लेंगे। इसमें मैंने एक इलायची पाउडर भी डाला था लेकिन वो वीडियो स्किप हो गया है, लेकिन आप इलायची पाउडर ज़रूर डालें, चाहे तो कूट कर डालें चाहे उसका पाउडर डालें। तो देखिए, हमारा सूजी का हलवा बहुत ही परफेक्ट बना है। आप इसे अष्टमी, नौवीं या किसी भी शुभ अवसर पर बना सकते हैं। माँ के हाथ का स्वाद वाला सूजी का हलवा एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना।